हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप आई एम श्रुति टीचिंग यू क्लास ट्वेल्थ केमेस्ट्री चैप्टर राइट इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की ठीक है हमने वेपर प्रेशर की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली थी क्या होता है वेपर प्रेशर जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर्स होते हैं उसके वजह से होने वाला प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं राइट right? उसके बाद हमने उसकी कंडीशन पढ़ी थी कि हम वेपर प्रेशर को पढ़ते समय क्या क्या, क्या कंडीशन लेके चलेंगे जैसे कि पहला था क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए ढका हुआ कंटेनर होना चाहिए उसके बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए ठीक है जो वेपर्स बनेंगे वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर से बनेंगे बॉटम से ना बन के के ऊपर से बनेंगे राइट right? और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा उतने ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होएंगे इतना हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन देखा था जो कि वेपर प्रेशर में राउल्ड स्नो कहते हैं राउल स्नो ने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेशर होता है जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मॉल फ्रैक्शन के राइट right? जो हमारा पार्शियल प्रेशर होएगा किसी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का सिमिलरली अगर मेरे पास कंपोनेंट टू है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होएगा काई टू के तो दिस वाज़ ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर डैट इज पार्ट सिक्स जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस करी थी राउड स्नो ने क्या क्या कहा था तो बेसिकली राउट स्नो से हमारे पास यही चीज आई थी कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके मॉल फ्रैक्शन के राइट जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है P1 वन इज इक्वल टू पी वन नोट राइट ये P1 वन नोट क्या था P1 वन नोट जो था वो था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन कंपोनेंट वन लेके चल रहे हम तो प्योर कंपोनेंट हमारा वन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा ठीक है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा उसे हमने P1 वन नोट से डिनोट किया था सिमिलरली फॉर P2 पी टू राइट क्या होगा प्योर कंपोनेंट होएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू होएगा राइट तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था आज इसी के बेस पे हम एक थ्योरम डिराइव करेंगे एज वेल एज एक हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आज हम इसकी कैलकुलेशन स्टडी करने वाले हैं राइट right? आज हम इसकी पूरी कैलकुलेशन आज इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टडी करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर का थ्योरी पढ़ी थी आज के लेक्चर में हम इसके कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यू कैन से ग्राफिकल मैथड समझेंगे सो कैलकुलेशंस फॉर द वेपर प्रेशर हमने फिर से कि क्या कंसिडर करना है एक बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसिडर करके चलना है बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ठीक है जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो लिक्विड्स डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ठीक है वो सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल ठीक है volatile substances, named as 1 and 2, तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर दो वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स हैं और उनका नंबर एक कॉम्पोनेंट वन है तो दूसरा कॉम्पोनेंट टू है राइट अब राउुल्सलो ने क्या कहा था राउल स्लो ने कहा था कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी वन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सिमिलरली पी टू भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टू राइट ये हमें राउल ने कहा था उधर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने क्या वैल्यू प्रोड्यूस करी थी पी वन नोट एंड पी टू नोट जो हमें बताता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट एट द सेम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर और मेरे पास काई वन मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है उसी ही टेम्परेचर पे पी नोट वन की क्या वैल्यू आएगी ये हमें ये हमारे ये वैल्यू होता है ये जो प्योर प्रेशर प्योर कंपोनेंट की वैल्यू होती है ठीक है तो राउंड स्लो ने क्या कहा कि जो पी होता है वो किसके बराबर होता है पी वन नोट एंड काई के और पी के किसके बराबर होगा पी टू नोट काई के ठीक है ये हमें राउल्सलो ने बता दिया था इतना नौ अब क्या होएगा हमारे पास हमें पता लग गया ये P1 P2 क्या होता है P1 वन पी टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली कॉम्पोनेंट वन और टू उसका ये कॉम्पोनेंट वन के लिए कंपोनेंट कॉम्पोनेंट टू के लिए तो P1 वन कॉम्पोनेंट वन का पार्शियल प्रेशर और P2 टू कॉम्पोनेंट टू का पार्शियल प्रेशर राइट देन काय वन एंड काय टू

ये कॉम्पोनेंट वन के लिए राइट right? इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन अब डाल्टन ने कल हमने देखा था कि डाल्टन कि क्या कह रहे जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सम होता है पार्शियल प्रेशर का क्या कहा था डाल्टन ने कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होता है टोटल वेपर प्रेशर होता है वो होता है सम ऑफ partial pressures प्रेशर्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ठीक है तो वही चीज हमने यहां लिखी है टोटल प्रॉपर प्रॉपर पूरा प्रेशर टोटल टोटल प्रेशर किसके प्रॉपर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट वन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेट टू क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन लेके चल रहे हैं तो एक कॉम्पोनेट वन होएगा और एक कॉम्पोनेट टू होगा ठीक है हमारे पास टोटल प्रेशर किसके बराबर होएगा P1 वन प्लस पी के बराबर मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी वैल्यूज कौन सी पुट करी जो P1 की वैल्यू थी क्या थी P1 वन नॉट ठीक है P2 की वैल्यू क्या थी पी टू तो ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी P1 की जगह क्या लिखा P1 वन नॉट का और P2 की जगह लिख दिया पीटू नॉट का ठीक है ये वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी ठीक है ये हमारा अभी पूरा पुर, लॉ चल रहा है एक ही लॉ चल रहा है ठीक है तो ऑल्सो हमें ये भी पता है कि काई वन जो होता है हमें को पता है तो टोटल मॉल फ्रैक्शन क्या होता है हमने पढ़ा था मॉल फ्रैक्शन जो होता है एक पूरे सॉल्यूशन का मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉट हमेशा वन के बराबर होता है राइट तो मतलब मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया काई वन प्लस काई टू है ना काई वन प्लस काई टू हो गया मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन प्लस मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू कम्स आउट टू बी वन यही बात यहां पर लिखी है ठीक है तो काय वन प्लस काय टू इक्वल टू वन अब मैंने सोचा चलो काई वन की वैल्यू निकालते काई वन की वैल्यू निकालती हूँ मतलब मोल फ्रैक्शन अपना वन निकालती हूँ तो वन में से मैंने काई टू को माइनस कर दिया तो ये मेरे पास काई वन की वैल्यू राइट अभी तक हमने कितना किया हमने राउट लो से लिया कि पी वन इज इक्व टू पी वन नॉट काई वन पी टू इज इक्व टू पी टू नॉट काई टू डाल्टन स्लो क्या कहते हैं कि पी टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है पी वन प्लस पी टू के बराबर होता है इसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी अभी तक कितना किया? फिर हमने क्या किया कि काइवन प्लस काइटू की वैल्यू वन होती है, तो काइवन क्या हो जाएगा वन माइनस काइट। इतना क्लियर हो गया? फिर अब मैंने ये जो काइवन की वैल्यू है ना, अपनी इस वैल्यू में पुट कर दी। काइवन की वैल्यू इसमें पुट कर दी। Right? तो मैं जैसे ही काई वन की वैल्यू पुट करूंगी यहां पे मेरे पास क्या था पी वन काई वन प्लस पी टू काइट ठीक है ये वैल्यू थी अब मैंने ये जो काई वन की वैल्यू है वो इधर पुट करिए काइवन की वैल्यू इधर पुट कर दी तो इधर पुट करके क्या आएगा पी वन नोट वन माइनस काई टू ठीक है और P2 टू काई टू इतना क्लियर हो गया ये जो वैल्यू थी ना बस इसको काई वन की जगह पुट कर दिया अब ये पुट करने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया राइट right? अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास मैंने इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया ठीक है तो P1 वन नॉट वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो P1 वन नॉट ही आ गया और जब काय टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो P नॉट वन काय ये आ गया ठीक है तो पी टोटल की वैल्यू क्या गई मैंने इस दोनों में से इन दोनों में से काई टू को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया पी टू नॉट में से पी वन नॉट माइनस होगा आई होप इतना क्लियर हो गया मैं दोबारा आपको डेरिवेशन रिवाइज करवा देती हूँ ये डेरिवेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ये है मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन ठीक है हमने क्या किया सबसे पहले हमने राउल स्लो लिया राउल्ट्स लॉ से हमने क्या निकाला कि p1 नॉट और k1 p1 जो होता है वो p1 नॉट k1 और p2 नॉट k2 के बराबर होएगा। फिर डाल्टन थ्योरम से क्या आया कि टोटल प्रेशर जो होता है वो p1 प्लस p2 के बराबर होता है तो p1 की वैल्यू मैंने पुट करी p1 नॉट k1 और p2 की वैल्यू पुट करी कि p2 नॉट k2 ठीक है अब मुझे पता है कि जो मॉल फ्रैक्शन होता है वो टोटल सॉल्यूशन का वो 1 होता है मतलब k1 k2 1, 1 होएगा तो मैंने काई वन की यहाँ से वैल्यू निकाली वन माइनस काई टू करके ठीक है इतना क्लियर हो गया अब मैंने ये जो काई वन की वैल्यू है वो अपनी पहली इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दी जैसे इसमें पुट करी तो क्या बनेगा पी वन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस काई टू इंटू पी टू नॉट काई टू ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पी पी वन नॉट आ जाएगा पी वन नॉट काई टू आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा पी नॉट टू काय टू आ जाएगा फिर मैंने इन दोनों में से लास्ट वाले टू एक्सप्रेशन में से काइटो को कॉमन लिया और मेरा एक्सप्रेशन ये बन गया सो दिस वॉज द होल डेरिवेशन ऑफ द कैलकुलेशन फॉर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर को फाउंड आउट करने के लिए जो पूरी डेरिवेशन है वो ये है ठीक है तो ये मेरी डेरिवेशन आ गई अब आप इस डेरिवेशन के रिजल्ट से क्या देख रहे हो कि जो मेरा रिजल्ट है ना वो सिर्फ एक ही मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है एक ही मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है काई वन नहीं है इधर इट कैन बी काई टूर ऐसे ऐसे भी तो हो सकते कि मैंने काई टू की वैल्यू निकाल के वन माइनस काई वन पुट कर दूं और यहाँ पे फिर मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा काई वन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा है ना तो क्या है कि जो हमारी पूरी टोटल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है ठीक है इधर कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू या फिर एक कंपोनेंट वन लेंगे या कंपोनेंट टू लेंगे बट दोनों मॉल फ्रैक्शन कभी नहीं आएंगे सिर्फ एक ही मॉल फ्रैक्शन हमें काफी है ठीक है ये मेरा ये एक्सप्रेशन बोल रहा है राइट right? नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है हमारे पास जो राउल स्लो का ग्राफ है ठीक है तो वो ग्राफ अब हम स्टडी करेंगे जो कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में है अब ये आइडल सॉल्यूशन क्या है आइडल सॉल्यूशन अभी मैं आपको एक छोटा सा इंट देती हूँ कि जो सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशंस सिर्फ राउल स्लो को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडल सॉल्यूशन कहेंगे जो सॉल्यूशन राउल स्लो को ओबे करेंगे उन्हें हम आइडल सोल्यूशन कहते so, मैथड देखते यह हमारा ग्राफ है अब आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसे यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग अपना मॉल फ्रैक्शन लिया और वाई एक्सिस के अलोंग वेपर प्रेशर लिया ठीक है अब क्या किया? मैंने इस पॉइंट पे सोचा कि यहाँ पे मेरा कोई कंपोनेंट वन है ठीक है यहाँ पे मेरा कंपोनेंट वन है और यहाँ मेरा कंपोनेंट टू है सिमिलरली ठीक है तो काय वन जब यहाँ पर मेरे पास मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम थी मतलब कि पहली मॉल फ्रैक्शन कंपोनेंट वन की मॉल फ्रैक्शन मैक्सिमम थी डेट इज़ वन थी और जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन टू था काई टू था वो मेरा ज़ीरो था जब मैं दूसरे एंड पे गई तो मेरा काई टू मैक्सिमम हो गया वन हो गया और काय वन ज़ीरो इतना मेरा ये पहले वाला एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दिया कि ये मेरा मॉल फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे जब हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं वहाँ पे मैंने काय वन को वन लिया और काई टू को जीरो लिया और दूसरे पॉइंट पे मैंने काई टू को वन लिया और काय वन को जीरो लिया क्लियर अब हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमने क्या देखा जब मैक्सिमम अब आप इधर से समझो केस वन बनाएंगे केस वन में क्या है कि जब हमने P1 और वन और की बात करे मतलब ये वाला केस जहां पे मैक्सिमम तो होगा, होगा, होगा उसके मॉल फ्रिक्शन के राइट तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्सप्रेशन क्या के के पी वन जो है वो पी वन नॉट के बराबर आ जाता है क्लियर तो जब मेरा काई वन मैक्सिमम था जब मेरा काई वन मैक्सिमम था मतलब वन था इस पॉइंट पे मेरा काई वन मैक्सिमम था यहाँ पे वन था तो मेरे पी वन की वैल्यू जो होगी वो पी वन नॉट के बराबर होगी पी वन की वैल्यू जो होगी वो पी वन नॉट के बराबर होगी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है यहाँ पे पी वन नॉट देखो काई वन eh, जब है तो यहाँ पे मेरे पास पी की वैल्यू आ रही है ठीक है सिमिलरली केस टू लेंगे जब मेरा काई टू मैक्सिमम है जब मेरा काई टू मैक्सिमम है तो जब मेरा काई टू मैक्सिमम है तो मेरे पास P2 की वैल्यू जो है मतलब कि प्रेशर 2 की जो वैल्यू होगी कंपोनेंट 2 की जो वैल्यू होगी वो P0 2 के बराबर ऑब्वियसली ये यहाँ पर है तो कुछ यहाँ लाइक ला, ला, करेगा अभी आप इस लाइन को नेग्लेक्ट करके चलो बेसिकली क्या है कि जब मेरा काई वन था ठीक है तो यहाँ पे मेरी P1 की वैल्यू आ रही थी जब मेरा काई टू था तो यहाँ पे मेरी पी टू की वैल्यू है ठीक है ये प्लॉटेशन ऐसी है अब उसने क्या किया अब उसने क्या किया इसको जोड़ दिया इन सब दोनों को जोड़ दिया ठीक है इस जोड़ने का पर्पस क्या था कि जब मेरा काई टू और k1 के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला आएगा तो मेरी काई टू की वैल्यू जब मेरी काई टू की काईवन की वैल्यू जीरो थी तो मेरे एक बार ग्राफ बन रहा है काई वन की वैल्यू जब जीरो थी तो पी वन जीरो था काई वन की वैल्यू जब जीरो थी तो पी वन जीरो, था, तो वो जीरो की तरफ जा रहा है तो ये प्लॉट इसलिए मेरा यहाँ पे लाइन है सिमिलरली जब मेरा काई वन का, sorry, काई टू जीरो था तो वो पी टू की तरफ जा रहा था इसलिए वो यहां पर जाके जीरो हुआ क्लियर क्या किया हमने अभी तक तो कुछ नहीं कि हमारे पास जो काई वन की वैल्यू जब मैक्सिमम थी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी मैक्सिमम पी वन नॉट मतलब प्योर था उस टाइम मॉल फ्रैक्शन अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस भी मेरा मैक्सिमम होएगा जब मेरा कंपोनेंट टू मैक्सिमम था जब मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू मैक्सिमम था तो पी नॉट की टू की वैल्यू मैक्सिमम थी ठीक है अब मैंने क्या किया जब मेरा काई वन जीरो था अब मैंने उसके मैक्सिमम वैल्यूज तो देख ली अब मैं उसकी लीस्ट वैल्यूज देखूंगी तो जब काई टू जीरो था तो काई टू के जीरो होने पर मेरे पास क्या आएगा पी वन जो पी टू है वो कहीं दूर जाके कहीं दूर जाके यहाँ पर जीरो हो रहा होगा और सिमिलरली जब काई वन जीरो था तो वो काई वन की तरफ कहीं जाके जीरो हो रहा होगा यही चीज ये यह यहाँ पे प्लॉट की है ठीक है यहीं पर ही यह ये चीज प्लॉट किए यहाँ पे सारी जगह ए की जगह आप वन कर लीजिए और बी की जगह टू कर लीजिए ठीक है तो अब मेरे पास ये आ गया तो ये कुछ प्लॉटेशन ऐसी हो गए क्रॉस बन गया अब मैंने क्या किया ठीक है अब मैंने क्या किया इन दोनों को मैंने जोड़ दिया जो मेरी ये पी वन नॉट और पी टू नॉट की वैल्यू आ रही थी इन दोनों को मैंने जोड़ दिया जैसे ही मैंने जोड़ा तो यहाँ पे क्या बना पी टोटल बन गया पी टोटल किसके बराबर होता है P1 वन प्लस पी के बराबर होता है वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये जो मेरा पी टोटल आया है जो टोटल वेपर प्रेशर होएगा वो इस लाइन के बराबर होएगा ये जो लाइन है हमारी इस लाइन के बराबर होएगा जो कि P1 वन प्लस पी के बराबर होता है तो ये मेरा ग्राफ डिपिक्ट करता है एक बार ये और ग्राफ को दोबारा समझते हैं ठीक है ग्राफ क्या कह रहा है कि मैंने ओरिजिन की तरफ काई वन की वैल्यू मैक्सिमम लिया और काय टू की वैल्यू लीस्ट लिया तो जब काई वन मैक्सिमम था तो पी वन की वैल्यू मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू भी मैक्सिमम थी और जब मेरा काई टू मैक्सिमम था तो मेरे पास प्योर कंपोनेंट ऑफ टू की वैल्यू मैक्सिमम थी ठीक है अब जब काई वन जीरो हुआ तो वो जीरो की तरफ भागने लगा वो जीरो की तरफ भागने लगा और जब काई टू जीरो था तो वह अपना प्योर वेपर प्रेशर की तरफ भागने लगा तो यहां पर इस वजह से मेरे पास ऐसी है क्रॉस वैल्यूज आ गई ठीक है क्रॉस वैल्यू आने की वजह से अब मेरे पास यहां पर एक जॉइंट बन गया याद है हम ऐसे करते थे तो ये मेरा रिजल्टेंट देता था ठीक है अगर ये कोई कॉम्पोनेंट है ये भी कोई कॉम्पोनेंट है ये आर वन है ये आर टू है तो ये मेरा रिजल्टेंट होता था सिमिलरली वो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि अगर मेरे दोनों ये पॉइंट्स बन गए तो मेरा रिजल्टेंट तो ये वाला लाइन देगा तो इस लाइन को मैंने पी टोटल डिनोट कर दिया जो कि मेरा रिजल्टेंट है ठीक है पी टोटल क्या होता है मेरा रिजल्टेंट होता है आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं राउलड स्लो के कंक्लूजन देखते हैं कि राउल्ड स्लो ने बेसिकली क्या क्या कह दिया ठीक है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि कोई भी एप्लीकेशन होगी अगर राउल स्लो के बेसिस पे तो उसके कॉम्पोनेंट्स हमेशा वॉलेटाइल होंगे ठीक है वॉलेटाइल का मतलब जो सब्सटेंसेस डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाए वो ही सब्सटेंसेस होंगे मतलब प्रॉपर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि जो टोटल वेपर प्रेशर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ठीक है अब जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसके रिलेशन में आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आता है कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा पी टोटल आया था वो किसके बराबर था पी वन नोट प्लस में का टू पी टू नोट माइनस पी वन नोट आया था तो कहने का मतलब ये कि ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ठीक है ये जो पी टोटल है वो किसी सिर्फ एक मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा दोनों मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ किसी एक पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट इज लिक्विड पेयर्स डेट ऑबेज राउल स्लो आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वो सोल्यूशंस वो लिक्विड पेयर्स वो लिक्विड इन लिक्विड्स जो कि राउट स्लो को ओबे करेंगे उन्हें हम आइडियल सोल्यूशंस कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेट्स टोटल वेपर प्रेशर द दूशन में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट अभी हमने जो ग्राफ बनाया था आपने ध्यान से देखा हो तो ये कैसे बना था एक तो ऐसा बना और एक थोड़ा ऊपर का बना ऐसे बना राइट right? ऐसे बना था तो क्यों ऐसे बना क्योंकि डिपेंडेंस आ जाती है मोल फ्रैक्शन की ठीक है टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कहने का मतलब क्या है कि जो प्योर कंपोनेंट होगा वो किस पे डिपेंडेंस आ जाएगी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंस आ जाएगी जिसके वजह से ग्राफ ऊपर नीचे बन सकता है ठीक है ये ग्राफ ऊपर नीचे बन सकता है इस डिपेंडेंस के वजह से ही ये हमारा ग्राफ ऐसा बनता है जरूरी नहीं है ऐसा बने ऐसा भी बन सकता है हमारे पास वन आ, ये सेम लेवल पे बिल्कुल सेम लेवल पे भी बन सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाए ठीक है तो जरूरी नहीं है हर बारी ऐसा ही बनेगा हर सिमिलर लेवल पे भी बन सकता है एंड इवनली स्लांटिंग ऐसे भी बन सकता है क्यों डिपेंड करते हैं मोल फ्रैक्शन पे जो मैं दो कंपोनेंट्स ले रही हूँ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ग्राफ नेक्स्ट इज जैसे कि अभी हमने स्लोप में देखा इसी ग्राफ में देखा कि जो मेरी थर्ड स्लोप थी ये था मेरा कुछ ग्राफ तो ये मेरी थर्ड स्लोप थी ये मेरी फर्स्ट थी ये मेरी सेकेंड थी और ये मेरी थर्ड तो ये जो मेरी थर्ड स्लोप थी अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये डिक्रीज हो रही है बट अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ तो ये इंक्रीज कर रही है है ना क्योंकि डिपेंड कर रहा है किस पे मॉल फ्रैक्शन पे क्योंकि यहाँ पे काई वन था यहाँ पे काई टू था तो डिपेंड किस पे कर रहा है ये मॉल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था पी टोटल इज इक्वल्स टू पी वन नोट प्लस पी सॉरी काई वन पी टू नोट माइनस पी वन नोट ये मेरे पास एक्सप्रेशन था तो यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंस किसकी आएगी कि मैं काय टू ले रही हूँ या काई वन ले रही हूँ है ना काई टू ले रही हूँ या काय वन ले रही हूँ उस पर डिपेंडेंस आ जाएगी इस ग्राफ की अगर मैं काई टू ले रही हूँ तो काई टू के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहा है लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने काई वन ले लिया होता तो ये इंक्रीज कर रहा होता ये हमारा थर्ड कंक्लूजन आता है लास्ट वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कॉम्पोनेट्स अब देखो ये तो है ये हमने किसकी बात करी कि ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर जो पार्टिकल्स का जो वेपर प्रेशर है उसकी बट ये कंडेंस भी तो हो रहे है ना ये कंडेंस भी तो रही है ये वापस भी तो आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, है, है।, है, है? पार्टिकल्स डांस कर रहे ठीक है, है तो ये जब पार्टिकल्स एग्जैक्टली है बेसिकली क्या हो रहा है कंडेंस होकर वापस भी तो आ रहे है, है ना तो वहां पे भी तो मोल फ्रैक्शन बनेगा है तो दोनों लिक्विड्स का ही कॉम्पोनेंट ना वहाँ पे भी तो वहां पे मॉल फ्रैक्शन भी बनेगा तो उस मॉल फ्रैक्शन को डाल्टन ने क्या कहा कि लेट अस डिनोट बाय वाई वन एंड वाई टू उन्होंने बोल दिया कि एक डिस्टिंक्ट करने के लिए काई वन और काई टू ना लेके हम वाई वन वाई टू के रिस्पेक्ट में इसको डिनोट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये भी कि ये काई वन जो हैगा क्या होता है हमारे पास पी वन जो होता है वो किसके बराबर होता है मॉल फ्रैक्शन पी वन नोट राइट इन टू काई वन के तो यहां पे लेके हमने क्या ले लिया वाई वन ले लिया यहाँ पर हमने वाई ले लिया तो ऑब्वियसली जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ पी वन को हम पी टोटल से डिवाइड करेंगे ठीक है तो ये किसकी आएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट की आएगी और अगर मैं वाई टू को लूंगी तो p2 टू डिवाइडेड बाई पी टोटल करेंगे तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट टू की आ जाएगी यह हमारा लास्ट लो लास्ट कंक्लूजन कहता है राउट्स लो सो दिस वॉज होल अबाउट टू डेज लेक्चर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लो ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर राइट आज के लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छे से क्लियर कर लिया है थैंक यू स्टूडेंट्स विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू फ्रॉम वर्ल्ड स्टूडेंट्स को